तो वेल हेलो, स्वागत है। कोई भी मतलब प्रोग्रामर या फिर जो बिगनर होता है, जब वो मतलब कोडिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो जो है कि मोस्टली ध्यान, सारा ध्यान जो है ना, बस कोडिंग में ही रखता है। मतलब कोडिंग इन द सेंस, बस जो है कि वो क्लासेस वगैरह क्रिएट करता है, वेरिएबल्स वगैरह, फंक्शंस वगैरह क्रिएट करने में सारा ध्यान रखता है, टूल्स को सीखने में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना बहुत सारा समय जो है कि वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये समय बचाने के लिए मैंने जो है कि कुछ सारा शॉर्टकट्स चूज किए हैं, कुछ शॉर्टकट्स मैंने चूज किए हैं, ठीक है, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं और अपना जो है कि, और इसको यूज करके मैं आपको गारंटी देता हूं कि अपना बहुत सारा समय आप सेव कर लोगे और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना एकदम बूस्ट कर जाएगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो है कि शॉर्टकट, ठीक है। तो नॉर्मली हम, जैसे अगर आप यहां पे आप देखोगे, ठीक है, तो मेरा ये कंट्रोलर है, मैंने इस कंट्रोलर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, वो ये कुछ मेथड मैंने कुछ रिपीटेड वगैरह यहाँ पर रखा है, कुछ यहाँ पे जो है कि मैंने मतलब ये कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, ये जो है कि मतलब रेंडमली जो है कि मैंने ये मेथड वगैरह क्रिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली आप क्या करते हो, यहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाते हो और कंट्रोल और F12 प्रेस करते हो, तो वो आपको कहाँ रिडायरेक्ट करता है, जो भी इंटरफेस होता है उस इंटरफेस की, इंटरफेस का जो भी मेथड होता है वहां पे आपको जो है कि रिडायरेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हमको जो है कि इससे जो है कि अगर हमको ये डेफिनेशन वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर देखेंगे कि हाँ भाई ये हमारा जो है कि कहाँ पे हमने इसको एक्चुअल में डिफाइन किया है और कहाँ पे एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे मिला, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है और वहां पे हम डबल क्लिक करके जाएंगे, तब देखेंगे कि अच्छा ये चीज इसमें इम्प्लीमेंट हुई है। लेकिन इसको और आसान करने के लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट है, उस पर आप यहाँ पे आप कर्सर ले जाइए, कंट्रोल दबाइए और F12 दबाइए, आप आपका डायरेक्टली आप जो है ना, आप देखो, आप यहाँ पे देखो, आपका इंटरफेस पर रिडायरेक्ट नहीं होके क्लास पर रिडायरेक्ट हो गया है, यानी एक्चुअल मेथड जो आपने इम्प्लीमेंट किया है उस पर रिडायरेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट जो है कि आपको आप बहुत सारा समय बचा सकते हैं। शॉर्टकट नंबर 2, मोस्टली आप क्या करते हो, कोई भी आपको फाइल वगैरह सर्च करना है तो आप क्या करते हो, कंट्रोल F करते हो, ठीक है, और यहाँ पे आप चीजें जो भी है सर्च करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने इंट सर्च किया, इंट मान लीजिए कि आपने सर्च किया, ठीक है। तो ये आप इसमें जो है कि जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप जो है कि ऑल ओपन डॉक्यूमेंट करंट प्रोजेक्ट एंटायर सॉल्यूशन में आप जो है कि सर्च कर सकते हो। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप इंट को चाहते हो किसी और से रिप्लेस करना, वो आप रिप्लेस कर सकते हो, रिप्लेस 1x1 कर सकते हो या फिर रिप्लेस ऑल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज आप यहाँ पे ये कर सकते हो, अगर यही आप कंट्रोल शिफ्ट F अगर आप करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि पूरे अपने कंप्यूटर सिस्टम में कहीं से भी उस फाइल को जो है कि आप ढूंढ कर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक फोल्डर है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं डिफरेंट, यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा ये फोल्डर मान लीजिए हम चूज कर लेते हैं, अब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है, ये सर्च कर लेगा। वही नहीं, ये आप मल्टीपल फोल्डर भी आप उसमें दे सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक ये फोल्डर है और दूसरा जो है कि हमारा ये फोल्डर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको जो है कि डाउट है कि भाई हमारा वो सर्च जो है कि इस रेपो में है और इस मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा तो खैर दो ही फोल्डर है, लेकिन हो सकता है आप इस इंटरफेस में हो या फिर कंट्रोलर में हो, दोनों में से अगर आपको डाउट है तो आप उसमें आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट F और इस पर्टिकुलर फोल्डर जो है कि आप मतलब ये लोकेशन आप दे दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये पहले तो मैं सब डिलीट कर देता हूँ, इंटरफेस सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये कंट्रोलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये दो जगह पे आप जो भी चीज़ें चाहो तो आप सर्च कर सकते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फाइंड ऑल कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका वो सर्च हो जाएगा, ठीक है। यानी दो लोकेशन पे आपका सर्च हुआ, एक यहाँ पे हुआ है कंट्रोलर में और दूसरा आपका हुआ है इंटरफेस में, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 3, ये आपका नेविगेट बैकवर्ड, मतलब जहां जहां आप गए थे वैसे वैसे ही आप ठीक वापस भी आ सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा कर्सर जहां जहां गया था वहां वहां से वापस आ रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सारा जो है कि यहाँ पे काफी मतलब कहाँ इतना सारा कुछ जो है कि ध्यान देने में कहाँ कहाँ तक गया था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अब तो इतना तो आप कर सकते हो भाई, वापस भी आप जा सकते हो इसमें, ठीक है। यहाँ से आप वापस आकर यहाँ वापस भी जा सकते हो, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आपने जो है कि यहाँ पे कुछ एडिटिंग किया है, मान लीजिए कि राइटिंग हियर, राइटिंग इसको आप बोलते हो कि हियर आई एम राइटिंग माई
कमेंट्स कुछ ऐसा मतलब आप यहाँ पे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे F12 प्रेस किया आपने, यहाँ पे आप गए। अब आपका ये लर्निंग जो है कि हो सकता है कुछ नहीं, यहाँ पे आपने F12 किया, फिर यहाँ पे आप गए और यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आप गए फिर F12 आपने कर लिया, फिर मैं एक ही जगह लग रहा है मैं बार बार घूम रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये कंसोल पे मैं F12 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो भाई मैं कहाँ कहाँ जो है कि घूम कर चला है। अब यहाँ से अगर मैं जाऊँगा तो वन बाय वन बैक पीछे जाऊँगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं आया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जहाँ पे भी एडिटिंग कर रहा था, जो भी मतलब जहाँ पे मैं अभी टाइपिंग कर रहा था राइट, वहाँ पे डायरेक्टली जाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बैकस्पेस, और आप जहां पे आप टाइप कर रहे थे वहां पे आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे, ठीक है। आपको जो है कि मतलब फिर से वो ट्रैश नहीं करना पड़ेगा कैसे कैसे गए थे कहां कहां गए थे। अब शॉर्टकट नंबर फोर ये है इसमें कि भाई जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली क्या होता है आपका यहाँ पे कई सारा फाइल है, ठीक है, कई सारा फाइल है आपका ओपन है। अब ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाते हो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली ये वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर है कहाँ, वेल नाम है यहाँ पे तो आप जान सकते हो कंट्रोलर है, लेकिन बहुत सारी चीज जैसे मान लीजिए लर्निंग रिपोजिटरी, ठीक है, नेमिंग इसीलिए बहुत जरूरी है आपके, यहाँ पे नाम देख कर भी आप डायरेक्टली जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई आप यहाँ पे काफ़ी सारे फाइलें हैं आपके, मतलब हजार से ज़्यादा फाइल है, ठीक है, तो आप जो है कि ये फाइल आप यहाँ पे भी ढूंढना चाहते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, तो उसके लिए आप क्या करोगे ना, ये यहाँ पे शॉर्टकट है ये सिंक विथ एक्टिव डॉक्यूमेंट, इसको आप जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ पे आपका एक्टिव डॉक्यूमेंट रहेगा वो एक्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपका दिख जाएगा, उसके हिसाब से आप जो है कि जो भी यहाँ पे एक्शन लेना चाहते हो आप वो ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। शॉर्टकट नंबर 5, यहां पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, ये आपको पहुंचा देगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे सर्च बार पे, ठीक है। यहां पे आप फाइल अपना जो है कि सर्च कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज ये है कि भाई आप बस फाइल ही नहीं सर्च कर सकते हो यहां पे, ये आपका जो सर्च बार है ना इसको आप कंट्रोल क्यू से जो है कि एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जो भी चीज़ें जो हैं कि आप एक्सेस करना चाहोगे वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपने ये इसने कुछ सैंपल दे रखा है, ठीक है, जैसे आप कोड सर्च करना चाहते हो, न्यू प्रोजेक्ट सर्च करना चाहते हो, थीम सर्च करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, आप ये क्लिक करते हो तो आपका ये नया प्रोजेक्ट डायरेक्टली यहाँ से ओपन हो गया, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर जा करके राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे ऐड फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है कि यहाँ पे जा करके डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप जो है कि आप बिल्ड भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्ड सॉल्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ये आपका रीबिल्ड सॉल्यूशन, बिल्ड सॉल्यूशन, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे आप पब्लिश भी कर सकते हो, मतलब ऑब्वियसली ये सारा जो है कि शॉर्टकट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको है, जैसे प्रोजेक्ट पे आप जाओगे अगर आपका ऐड क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो ऐड क्लास, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल गया, आप यहाँ पे क्लिक करो आपको क्लास भाई ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है कि आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब उसको आप एक्सप्लोर करो कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, मतलब हर चीज़ जो भी आपको जो है कि यहाँ पे मेनू वगैरह में है ना, हर वो चीज़ आप यहाँ पे टाइप करके उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। हमारा दूसरा शॉर्टकट है कॉपी पेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। जनरली हम जो है कि कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हम यहाँ पे ये कॉपी कर लिए कंट्रोल सी, कहीं पे हमको मान लीजिए कि ये पेस्ट करना है, मान लीजिए इस कमेंट की जगह पे हमको पेस्ट करना है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये कोड को हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई आपको जो है कि ये भी कॉपी करना है और समझ लिए कि हमारा जो है कि ये लर्निंग रिपोजिटरी है, हाँ, यहाँ पे हमको जो है कि पेस्ट करना है, ठीक है। ये मान लीजिए कि हमारा ये कुछ है नहीं, ये भी हमारा नहीं है, तो हमको क्या करना है, ये वाला कॉपी करके कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करना है, ये कॉपी करके कंट्रोल सी यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब हमने क्या किया, दो बार हमने कॉपी किया, राइट, दो बार हम यहाँ पे गए कॉपी किए और वहाँ पे पेस्ट किए, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल सी कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए और दोबारा कंट्रोल सी कर लीजिए। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे
कंट्रोल शिफ्ट वी करोगे आप ना, तो आपको यहाँ क्लिपबोर्ड पे आपका दिख जाएगा, ठीक है, आपके क्लिपबोर्ड में कितना चीज आपने कॉपी किया हुआ है। तो जनरली ये 9 जो है कि मतलब आइटम जो है कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड पे रख सकता है, ठीक है। तो ये इतना चीज आप जो है कि पेस्ट कर सकते हो एक बार में कॉपी करके, मतलब आप यहाँ पे जाओ वो सारी चीजें कॉपी कर लो, कॉपी करके यहाँ पे आओ और मान लीजिए कि हमको यहाँ पे क्या पेस्ट करना था, मान लीजिए कंट्रोल शिफ्ट वी करना है, ठीक है, हमको ये प्रिंट करना है या पेस्ट करना है। और यहाँ पे आपको जो है कि क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी कीजिए और जो नंबर है वो नंबर आप अपने कीबोर्ड पे अगर आप डालोगे ना, मान लीजिए 8, नंबर 8 पे जो कॉपी है वो मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो नंबर 8 में प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे। और दूसरा चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आपका ये लाइन है, ठीक है, आप इसको चाहते हो कि आप रिपीट करना, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाओ, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल वी 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 कंट्रोल वी करते जाओ, आपका जो है कि ये एज इट इज पूरा मतलब पूरी लाइन कॉपी हो जाती है और पूरी लाइन कॉपी होकर के नया यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। अब दूसरा हमारा शॉर्टकट क्या है, आप अगर चाहते हो कि भाई एक लाइन से ज्यादा आप एडिट कर लो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ बहुत ज्यादा जो है कि टेक्स्ट भर रखा है, इसको मैं क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है, ये मैं इसको दैट कर देता हूँ, कुछ रैंडम टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे आप चाहते हो कि भाई मुझे जो है आई यहाँ पे एक टेक्स्ट भरना है, आई विल नॉट, यहाँ पे भी आप एक सेम चीज ऐड करना चाहते हो और एक यहाँ पे भी ऐड करना चाहते हो, यहाँ पे भी ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करो, जैसे मान लीजिए आपको एंड ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे भी एंड ऐड करना है, यहाँ पे भी आपको एंड ऐड करना है, यहाँ पे भी आपको एंड ऐड करना है और यहाँ पे भी आपको एंड ऐड करना है, तो उसके लिए आप दो चीज कर सकते हो, ठीक है, एक तो भाई मतलब हर जगह जाकर टाइप कर सकते हो, दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लो कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट करो, जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ वहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे भी आपको चाहिए तो यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। लेकिन विजुअल स्टूडियो है ना आपको इससे भी बढ़िया चीज प्रोवाइड करता है, वो क्या कि आप क्या करो, कंट्रोल दबाओ, एल्ट दबाओ और जहां जहां आपको टाइप करना है वहां वहां आप अपना क्लिक कर दो, ठीक है, ये हमने यहां यहां हमको टाइप करना है और ये स्पेस हमने दिया एंड लिखा, ठीक है, और वार्निंग जो भी मतलब है ये आपने टेक्स्ट जहां पे लिखा, तो जहां जहां आपका कर्सर है वहां वहां जो है कि आपके टाइप वो चीज हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं डबल इनवर्टेड कॉमा में कर दूं तो ये एरर नहीं आएगा, तो ये जो है कि इसका बेनिफिट है। तो ये तो यहां वहां था, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सीधा लाइन है, ठीक है, आपको चाहते हो कि ये तीनों जो है कि मतलब आप इसको जो है कि एक साथ मतलब टाइप करना, ठीक है, यानी अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा लाइन में आप जो है मतलब टाइप करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, शिफ्ट एल्ट और ये अपर की या फिर लोअर की जो भी आप मतलब की प्रेस करना चाहते हो वो प्रेस करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका मतलब टेक्स्ट लिखना है वो एक साथ आप सारा लिख सकते हो, ठीक है, और ये कर्सर हटाने के लिए आप कोई भी एरो की प्रेस करो या फिर कहीं और पे क्लिक कर दो, आपका जो है कि वो नॉर्मल कर्सर आपका हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें बढ़िया चीज ये है कि मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई ये जो भी एंड लिखा हुआ है, ठीक है, जितनी बार एंड लिखा है उसको आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ ये हो जाए, और यहाँ पे भैया कितने सारे हैं, यहाँ पे ये भी लंबा हो जा रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि स्क्रीन से हमारे बाहर चला जा रहा है, राइट, ये हमारा है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि एंड हमारा कितना है, एक है, दो है, तीन है और एक यहाँ पे मैं दे देता हूँ एंड, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये एंड और ये एंड और ये एंड और ये एंड, ठीक है, इन सबको एक साथ मतलब मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर्सर आप रखिए शिफ्ट एल्ट और ये फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब जो है कि ये हमारा ये की जो है क्या हमको प्रेस करना है, शिफ्ट एल्ट और ये की, ठीक है, ये की हमको जो है कि प्रेस करना है, तो इससे क्या होगा, अब शिफ्ट एल्ट ये की आप प्रेस करते जाइए जितना जो है कि आप मतलब सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है, यानी सीक्वेंस में राइट टू लेफ्ट होगा, लेफ्ट से फिर जो है कि राइट राइट में आएगा, राइट टू लेफ्ट जो है कि जितना उसको मिल जाएगा वो उसको
सेलेक्ट करता जाएगा। ठीक है, ये आपका सारा सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर दो, इसको जो है कि एंड के बजाय आप मान लीजिए कि आप चाहते हो कि बैंड, ठीक है, बैंड आप उसको मतलब चेंज करना चाहते हो, सारा जो है एक साथ चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको जो है कि यहाँ पे हर बार जा करके पूरा सेलेक्ट करके आपको जो है कि कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप फाइंड रिप्लेस करके आप उसको मतलब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चीज़ आप जो है कि बड़ा आसानी से कर सकते हो, तो ये भी आपका बहुत सारा समय जो है कि बचा देगा। अब दूसरा हमारे पास एक और शॉर्टकट ये है कि भाई अभी तक आपने देखा होगा कि मैं क्या कर रहा था, सी डब्ल्यू और एंटर और टैब। ठीक है, इसमें जो है कि आपका ये कंसोल डॉट राइट लाइन ऑटोमेटिकली जो है कि यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, राइट। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप जो है कि प्रॉपर्टी आप क्रिएट करना चाहते हो तो भी आप जो है कि एंटर और टैब आप क्रिएट करो, आपका प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा चीज़ आप यहाँ पे चाहते हो कि भाई लूप अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे फोर टाइप करो और एंटर करो, टैब करो, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि फोर रिवर्स में हो जाए, टैप करो, टैब करो, मतलब एंटर करके टैब करो, फिर टैब टैब दो बार टैब जो है कि स्पेस, टैब स्पेस मतलब हमारा ये टैब, ठीक है। यहाँ पे दो बार आप टैब जो है कि प्रेस करोगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा फोर, ठीक है, और ये टैब टैब आप प्रेस कर रहे हो, दो बार आपने प्रेस किया तो वो हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा है, आप जो है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है आप देख सकते हो वो सब चीज़ें मतलब कितने सारे हैं। तो नॉर्मली लोग जो है कि ये क्लास यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करते हैं और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली मतलब ये ज़्यादा यूज होता है, बाकी आप और जो है कि दूसरा चीज़ भी यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये लाइन है, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वी भी कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये डुप्लीकेट लाइन आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको जो है कि ये शिफ्ट और टैप कर रहे तो एक बैकस्पेस पीछे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको सराउंड कर सकते हो, ठीक है, यानी कंट्रोल के एस, एस से मतलब सराउंड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं ना वो हर चीज़ से आप उसको सराउंड कर सकते हो, मतलब वाइल है, यूजिंग है, यूजिंग करोगे तो आपका भाई यूजिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो सराउंड। दूसरा चीज़ ये है कि भाई जाहिर सी बात है मतलब ऑब्वियसली अगर आप ट्राई कैच यहाँ पे अगर ये लिखते हैं, अगर आपका कोड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड है आपका, तो उसको जो है कि आपको लिखने के लिए वो सारा चीज़ें फिर से करना पड़ता है ना। जैसे इफ़ यहाँ पे आप लिखा आपने जो है कि नंबर लेस देन 12 लिखा आपने, फिर यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस ओपन किया और डिलीट आपने प्रेस किया, उसके बाद आप फिर यहाँ पे आए, आने के बाद आपने जो है कि कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया टाइप में मतलब कर रहे हो, राइट। तो उससे अच्छा आप इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल के एस करो, कंट्रोल के एस, और यहाँ पे सीधा जो है कि इफ टाइप करके एंटर कर दो और यहाँ पे आपका नंबर लेस देन। दूसरा चीज़ ये है कि भाई आप ये इतना ही नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है ना कंट्रोल के एक्स अगर करते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, कोड स्निपेट आ जाता है, मतलब आप पूरा कोड ही लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए विजुअल सी शार्प में आप जाते हो तो यहाँ पे आप जो चाहे मतलब कोड जो है कि यहाँ पे वो लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपका ये फोर हो गया, फोर आपने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आप कंट्रोल के एक्स करते हो और ये टेस्ट, अगर मान लीजिए आप कोई टेस्ट फाइल वगैरह है वहाँ पे आप जाते हो, तो उसके लिए आप जो है कि टेस्ट क्लास बना सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। और वही कंट्रोल के एक्स करके आप जो है कि टेस्ट में जा करके आप यहाँ पर मेथड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप चीज़ कर सकते हो। अगला शॉर्टकट है हमारा, ये शॉर्टकट नहीं एक तरह समझ लीजिए कि अरेंजमेंट कह सकते हैं आप अपने फाइलों को जो है कि आप अरेंज कैसे कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका बहुत सारा फाइल है, बहुत सारा फाइल अगर आपका ओपन है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, पिन कर सकते हो। यहाँ पे पिन कर दोगे आप तो फिर आपका जो है कि ये फाइल जो है ना यहाँ से हटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये कई सारा फाइल यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपका ये भी खुला है, 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 देख रहे हैं सब जो है कि आपका जो है कि ये फाइल यहाँ पे मैक्सिमम कुछ जो फाइल यहाँ पे जो दिख पाएंगे वही आपका यहाँ पे रहेगा, लेकिन ये यहाँ से हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हमने पिन कर दिया है, ठीक है। आप पिन कर दोगे आप तो ये यहाँ से हटेगा नहीं, ये सब जो है कि अगर आप पिन कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा कि आपका जो है कि दूसरे लाइन में भी जो है कि अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, कुछ और फाइल खोल लेते हैं हम, हमारा जो है कि ऐप सेटिंग ओपन हो गया, ये देखिए दूसरे फाइल में लाइन में जो है कि ओपन हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब आप इस पर मान लीजिए कि जिस फाइल पे भी आप काम कर रहे हो उस पर आसानी से जो है कि उसको एक्सेस कर सकते हो और उस पर जो है कि रिडायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये अक्सर करके मतलब क्या होता है, जब ज़्यादा फाइलों के साथ आप काम करते हो ना तो ये खो जाता है, ठीक है।
अब ये जो है कि नॉर्मली क्या होता है कि भाई कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाती है कि भाई पावर सेल जो है कि या फिर अपना जो भी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट है या फिर टर्मिनल जिसको मतलब कोई यूज कर दे रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे। एक तो भाई ऑप्शन ये है कि भाई मान लीजिए कि आपका ये प्रोजेक्ट जो है कि जहां पे ओपन है ओपन फाइल एक्सप्लोरर, यहां पे आप जाते हो। एक ऑप्शन ये है कि भाई यहां पे आप यहां पे आप क्या करते हो, शिफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हो, फिर आप यहां पे पावर सेल ओपन करते हो। दूसरा ऑप्शन ये है आप यहां पे जाकर के पावर सेल ओपन करते हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहां पे ही यहां पे आप जो है कि टूल्स में जाकर के कमांड लाइन पे यहां पे पावर सेल ओपन कर दोगे, आपका डायरेक्टली वो पावर सेल जो है कि वहां पे ओपन हो जाएगा। दूसरा चीज ये है कि अगर आप चाहो तो इस विजुअल स्टूडियो के अंदर ही जो है कि आप अपना टर्मिनल यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे व्यू टर्मिनल 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 ये जो है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं तो मतलब ज्यादातर टर्मिनल जो है गिट के लिए यूज करता हूँ, लेकिन गिट के साथ आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पे एक सीडी करते हो आप, ठीक है, टैब टैब के अंदर अगर मान लीजिए कि आप IMKDIR जो है कि आप टेस्ट फोल्डर आप एक क्रिएट कर लेते हो, ठीक है, आपका टेस्ट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप उसको यहाँ पे जाकर भी अपना देख सकते हो, पता नहीं लेकिन आपका हो सकता है वो डिस्प्ले ना हो, ये रहा आपका फोल्डर क्रिएट हुआ, ठीक है, लेकिन आपका वो प्रोजेक्ट में एडेड नहीं है, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके उसको इंक्लूड इन प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत कुछ जो है कि आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, अगर ये आपका हमेशा जो है अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप एक बार में एक से ज्यादा आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल, एक ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, जितना आप चाहे उतना जो है कि इंस्टेंस आप पावर सेल का क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे आपका समय बचाने के चक्कर में मैं तो बहुत सारा समय खा गया, लेकिन फिर भी जो है कि होपफुली ये वीडियो जो है कि हमारा अवेलेबल रहा होगा। आपको अगर लग रहा है कि नहीं कहीं कुछ छूट उट गया है तो भाई उसको कमेंट में लिखिए, हम उसको वहां पर रिप्लाई करेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो भाई लाइक कीजिए, शेयर और कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और